हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम के बारे में। सो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इट इज़ वेरी कॉमन दैट देयर आर मैनी रेलिवेंट फीचर अवेलेबल फॉर लर्निंग, बट ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ देम आर ऑब्जर्वेबल। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलिवेंट फीचर्स हैं जो अवेलेबल है हमारे लिए लर्न करने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत स्मॉल सबसेट है कि जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लेटेंट रह जाती हैं, बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास में लेटेंसी हो जाती है, वहाँ पर हमारे पास में होल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते या फिर किसी भी कारण से लेटेंसी रह जाती है। सो फॉर द वेरिएबल्स विच आर समटाइम्स ऑब्जर्वेबल एंड समटाइम्स नॉट, देन वी कैन यूज द इंस्टेंस वेन दैट वेरिएबल इज विजिबल, इज ऑब्जर्व फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग एंड देन प्रेडिक्ट इट्स वैल्यू इन द इंस्टांसेस वेन इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जब वो दिखाई दे ऑब्जर्व करने के लिए, जब वो पर्टिकुलर वेरिएबल है, हम एक ऐसे इंस्टांस को यूज़ करेंगे जब अपना जो वेरिएबल है हमें दिखाई दे, हम उसको ऑब्जर्व कर लें लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन जब हमें वो दिखाई ना दे तो हम उसको प्रेडिक्ट करें। ठीक है, उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करें हम। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर लेटेंट वेरिएबल्स। ये इन्हीं के लिए, जो ये लेटेंट वेरिएबल है ना, इन्हीं के लिए ही है। वेरिएबल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिनको अपन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे उनकी सारी वैल्यू, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, एंड आर एक्चुअली इन्फर्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अदर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। इनकी वैल्यूज को हम इन्फर करते हैं, जो दूसरे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से हम इनको इन्फर करते हैं। सो दीज सो वी कैन नॉट बी दीज एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर लेटेंट वेरिएबल्स टू इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट देयर वैल्यूज विद द कंडीशन दैट जनरल फ्रॉम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गवर्निंग दोज लेटेंट वेरिएबल इज नॉन टू अस। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल वैल्यू लेके आ जाएंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम इसकी एक एक्सपेक्टेटेड, जो एक्सपेक्टेटेड वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इट वॉज एक्सप्लेन्ड प्रपोज्ड एंड गिवन इट्स नेम इन अ पेपर पब्लिश्ड इन 1977 बाय ऑर्थर डेमिस्टर एंड नैन लैंडियर एंड डोनाल्ड रूबिन। इट इज़ यूज टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम लाइकलीहुड पैरामीटर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इन केसेस In the cases where latent variables are involved and the data is missing or incomplete. So let's talk about the algorithm. We have given a set of incomplete data set. Consider a set of starting parameters. हम consider कर रहे हैं कि एक set of starting parameter को expectation step, E step जिसे हम बोलते हैं, using the observed available data of the data set. जो ऑब्जर्व्ड अवेलेबल डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास में उसको यूज करेंगे, एस्टिमेट करेंगे या गैस करेंगे द वैल्यू ऑफ मिसिंग डेटा। जो मिसिंग डेटा है उसकी वैल्यू को हम गैस करेंगे या एस्टिमेट करेंगे। फिर मैक्सिमाइजेशन स्टेप के अंदर एम स्टेप, कंप्लीट डेटा जनरेटेड आफ्टर द एक्सपेक्टेशन ई स्टेप इज यूज इन ऑर्डर टू अपडेट द पैरामीटर्स। सो ये जो है, ये है उस पैरामीटर को अपडेट करने के लिए। ठीक है, सो ये कंप्लीट करता है डेटा जनरेटेड, जो डेटा जनरेट हुआ है आफ्टर एक्सपेक्टेशन, जो गैस के द्वारा, जो एक्सपेक्टेशन स्टेप के द्वारा जो डेटा जनरेट हुआ है इज यूज्ड इन ऑर्डर टू अपडेट द पैरामीटर्स। तो यही जो है वो यूज होगा जो पैरामीटर है उसको अपडेट करने के लिए। रिपीट स्टेप टू एंड स्टेप थ्री अंटिल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसको अपडेट करते रहेंगे। तो पहले स्टेप में अपडेट करेंगे वेरिएबल को, फिर अपडेट हाइपोथेसिस को, लगातार अपन ये करते रहेंगे और सारे वेरिएबल्स को हम उसकी वैल्यू ले आएंगे। द इंसेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम इज यूज द अवेलेबल ऑब्जर्व्ड डेटा ऑफ द डेटा सेट टू एस्टिमेट द मिसिंग डेटा एंड देन यूजिंग द डेटा टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। और फिर बाद में उस डेटा को हम यूज करेंगे किसको अपडेट करने के लिए, वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए, जो पैरामीटर्स के वैल्यूज है उनको अपडेट करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द ईएम एल्गोरिदम इन डिटेल। इनिशियली अ सेट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी ऑफ द पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड। A lot of incomplete observed data is given
to the system with the assumption that the observed data comes from a specific model. कह रहा है कि यार एक इनकम्प्लीट जो ऑब्जर्व डेटा है वो आपको गिवन है एक सिस्टम के अंदर, ये अजम्पशन है कि जो ऑब्जर्व डेटा है वो एक स्पेसिफिक मॉडल से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इज नॉन एज एक्सपेक्टेशन स्टेप, सो इसको हम ई स्टेप भी बोलते हैं। इन दिस स्टेप वी यूज द ऑब्जर्व डेटा इन ऑर्डर टू एस्टिमेट या फिर गैसिंग के लिए द वैल्यू ऑफ मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा को। इट इज़ बेसिकली यूज टू अपडेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए, उनकी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज नॉन एज मैक्सिमाइजेशन स्टेप और एम स्टेप। इन दिस स्टेप वी यूज द कंप्लीट डेटा जनरेटेड इन प्रिसीडिंग एक्सपेक्टेशन। जो प्रिसीडिंग एक्सपेक्टेशन मतलब जो स्टेप था उसके अंदर हमने क्या किया था, वी यूज द कंप्लीट डेटा जनरेटेड। हम यूज करेंगे जो कंप्लीट डेटा जनरेट हुआ है उसको, जो कि प्रिसीडिंग स्टेप के अंदर हुआ था, इन ऑर्डर टू अपडेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। जो वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स है उनको अपडेट करने के लिए, इट इज़ बेसिकली यूज टू अपडेट दी हाइपोथिसिस। ये बेसिकली हाइपोथिसिस को अपडेट करने के लिए होता है कि यार जो डेटा मिसिंग है उसकी मदद से फिर बाद में हम फीचर्स को भी तो अपडेट करेंगे, कि एक हाइपोथिसिस भी तो लेके आएंगे कि भाई साहब ये पर्टिकुलर फीचर या पैरामीटर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो अपन देखो मैंने प्रोग्राम में बताया था, पहली प्रोग्राम के अंदर बताया था कि यार एक्सपेक्ट किस तरीके से अपन हाइपोथिसिस लेके आते हैं, सो वही उसी का ही वही चीज हम यहां पर इसकी मदद से अपडेट करेंगे हाइपोथेसिस वाले मैक्सिमाइजेशन वाले पार्ट से। नाउ इन फोर्थ स्टेप इट इज चेक्ड वेदर द वैल्यू आर कन्वर्जिंग और नॉट, इफ यस देन स्टॉप अदरवाइज रिपीट अंटिल स्टेप टू एंड स्टेप थ्री एक्सपेक्टेशन स्टेप एंड मैक्सिमाइजेशन स्टेप अंटिल द कन्वर्जेंस अकर। जब तक कि कन्वर्जेंस अकर नहीं हो जाता तब तक ये स्टेप रिपीट करते। सो ये इसका एक फ्लो डायग्राम है, सो इससे आप देख सकते हो यहां से अपनों ने स्टार्ट किया, ये इनिशियल वैल्यूज है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन स्टेप के बाद में अपन मैक्सिमाइजेशन स्टेप के अंदर जाते हैं और वहां पर हम ये देखते हैं कि क्या ये आसान आराम से कन्वर्ज हो गए हैं। अगर ये कन्वर्ज हो गए हैं, सारा डेटा कन्वर्ज हो गया है, तो यस स्टॉप कर देंगे, नहीं तो हम लगातार इसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एडवांटेज ऑफ ई एम एल्गोरिदम, इट कैन बी यूज टू फिल द मिसिंग डेटा इन सैम्पल, इट कैन बी यूज एज द बेसिस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग और ऑफ क्लस्टर्स, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ हिडन मार्कोव मॉडल, और इट कैन बी यूज फॉर डिस्कवरिंग द वैल्यूज ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। इसके लिए ये यूज होता है, ये इसके एडवांटेज है और ये इसके डिसएडवांटेज भी है। स्लो कन्वर्जेंस है, मेक्स कन्वर्जन टू द लोकल ऑप्टिमम ऑप्टिमा ओनली, इट रिक्वायर्स बोथ द प्रोबेबिलिस्टिक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो इस तरीके से इसके डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसी के अंदर जो आता है वो के मीन वगैरह इसी का पार्ट है। सो देखो अब मैं आगे इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको, आगे का जो पार्ट है इसका वो इसके एल्गोरिदम को डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने किया के मीन को जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से आती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक मॉडल है, इस क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली एक मॉडल है तो क्लस्टर से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट कर लिया, मिक्सर से मैंने गॉसियन मिक्सचर को इंपोर्ट कर लिया, मैंने डेटा सेट के लिए लॉर्ड इरीज को वही जो सिथाल और वर्णिका और जो फ्लोवर थे वही डेटा मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैट्रिस से मैंने मतलब मैट्रिस को इंपोर्ट किया, ये तो हमें पता ही है मैट्रिसेस वाला, तो ये बेसिकली एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन चेक करने के लिए होता है, पांडाज और नंपाई और मैटप्लॉटलिब ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को लोड कर लिया मैंने, डेटा लोड हो गया, फिर डेटा फ्रेम की मदद से पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसके अंदर मैं डेटा सेट को डालूंगा और डेटा वाला पार्ट एक्स के अंदर ले आऊंगा, ठीक है। एक्स के अंदर डेटा वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, जो फीचर्स वाला पार्ट है, और उसको कॉलम भी प्रोवाइड कर दूंगा एक्स डॉट कॉलम करके, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है तो इसकी कॉलम डालना भी जरूरी है मेरे को, तो मैंने कॉलम डाल दिया इसको, सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ, ठीक है। इसी प्रकार मैं वाई वाई के अंदर भी जो टारगेट है डेटा सेट के अंदर जो टारगेट है
वो मैं इसके अंदर डाल लूंगा और कॉलम दे दूंगा उसको टारगेट्स जो आउटपुट है हमारा। क्यों ये दो मैंने क्यों किया? ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब देखिए इस लाइन के अंदर मैंने क्या कहा, प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज 15:7। इसका मतलब है द लाइन ऑफ द कोड क्रिएट्स अ न्यू फिगर यूजिंग द प्लॉट डॉट फिगर फंक्शन फ्रॉम द मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी बाय स्पेसिफाइंग द फिगर साइज, जो पैरामीटर है उसका हमने फिगर साइज कर दी 14 और कोमा 7। सो यू वी आर सेटिंग द विड्थ ऑफ 14 इंच एंड हाइट ऑफ 7 इंच फॉर द फिगर। 14 इंच और इसके लिए मैंने हाइट एक स्पेसिफाई कर दी यहाँ पर, ठीक है। दिस फंक्शन इज टिपिकली यूज टू क्रिएट अ न्यू फिगर बिफोर प्लॉटिंग एनी डेटा। कोई भी डेटा को प्लॉट करने से पहले हम ये करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कलर दे दिया, मैंने जो कलर है मैंने तीनों के लिए अलग अलग कलर, जैसे रेड, लाइम और ब्लैक, तीन कलर मैंने ये कलर के लिए एक अरे बना ली मैंने, ठीक है, कलर मैप के लिए एक अरे बना ली मैंने, जो कि मैंने एन पी डॉट अरे जो नम पाई की मदद से मैंने एक अरे बना ली, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये सब प्लॉट 1 2 1 3 2 क्या है, यहाँ पर मैंने ये रियली प्लॉट कर रहा हूँ, मैं डेटा जो डेटा मैंने लिया है उसको प्लॉट कर रहा हूँ इस डेटा को, ठीक है। सो ये 1 3 2 क्या है? सो द कोड स्नाइपेट व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड हियर टू क्रिएट अ सब प्लॉट मॉडल के मीन वेयर एन क्लस्टर वी हैव प्रोवाइडेड, एन क्लस्टर इज 3 क्लासेस, टू क्रिएट अ के मीन क्लस्टरिंग मॉडल, है ना। यहाँ पर के मीन जब नंबर ऑफ क्लासेस हो गई वो 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ कुछ गलत किया है क्या? हाँ देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया, फिर इसको इसके अंदर मैंने टाइटल रख दिया इसका रियल, और इसके अंदर मैंने इसको प्लॉट स्कैटर, इसके अंदर एक्स की पेटल्स लेंथ डाल दी, एक्स की पेटल विड्थ डाल दी, लेंथ पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के कॉरस्पॉन्ड मैंने डेटा को वो करवा दिया, ठीक है। और कलर है जो इसका टारगेट कलर है, जो भी इसका कलर होगा वो इससे मैप हो जाएगा, तो मैंने ये करवा दिया कलर मैप। ये जो अरे है इसके अंदर वाई डॉट टारगेट, जितने भी नंबर ऑफ टारगेट्स है उससे कॉरस्पॉन्डिंग रेड के साथ में रेड आ जाएगा, लाइम के साथ में लाइम आ जाएगा, ब्लैक के साथ में ब्लैक आ जाएगा, और ये एस मैंने 40 कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर प्लॉट कर दिया मैंने टाइटल को रियल, यहाँ पर जो प्लॉट टाइटल है वो रियल आ गया, ठीक है। सो ये मेरा रियल जो डेटा है, जो जैसे का मतलब मैंने विदाउट कोई मॉडल लगाए हुए, अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं लगाया है, मॉडल लगाने के बाद में मैं इसको प्लॉट करवाऊँ फिर से, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा इसके अंदर एरर है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और काम करता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस स्टेप के अंदर प्लॉट किया, सब प्लॉट किया 1 3 2, तो यहाँ यार ये गाइज ये जो सब प्लॉट है इसके अंदर 1 3 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक क्रिएट करना चाहते हैं सब प्लॉट ग्रिड को, जो सब प्लॉट ग्रिड है उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं विद वन रो, जो नंबर ऑफ रो है वो 1 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 होने चाहिए, और जो ये 2 इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम क्रिएट करना चाहते हैं एक सब प्लॉट ग्रिड विद 1 रो 3 कॉलम, एंड सेलेक्ट करना चाहते हैं जो सेकंड सब प्लॉट है, जो मिडल सब प्लॉट है प्लॉटिंग के लिए, जो सेकंड सब प्लॉट है उसको या फिर मिडल सब प्लॉट को प्लॉटिंग के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपन फर्स्ट को यूज़ करना चाहते थे, एक सेकेंड, यहाँ पर अपन फर्स्ट को सब प्लॉटिंग के लिए यूज़ करना चाहते थे इसलिए ये आया, ठीक है। यहाँ पर अपन सेकेंड को यूज़ करना चाहते हैं सब प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। सो 1 एंड 3, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 रो को, ये कॉलम को, रो एंड कॉलम, और ये किस सब प्लॉट को हम प्लॉट करवाना चाहते हैं, तो सेकंड रेफर टू सेकंड सब प्लॉट और फर्स्ट रेफर टू फर्स्ट सब प्लॉट, दैट इज मिडिल सब प्लॉट फॉर प्लॉटिंग। सब्सिक्वेंट प्लॉटिंग कमांड विल बी अप्लाइड टू दिस स्पेसिफिक सब सब प्लॉट, ओके। देन मॉडल इक्वल टू के मीन, यहाँ पर के मीन जो है, और इसके अंदर एन क्लस्टर्स इक्वल टू 3। सो इस लाइन के अंदर जो के मीन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल करके, ठीक है, ये के मीन क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो कि स्किट लर्न लाइब्रेरी से ही आता है, जो एन क्लस्टर है वो है सेट टू 3। यहाँ पर मैंने इसको सेट किया 3 के से, इसका मतलब है कि वी वॉन्ट टू परफॉर्म के मीन क्लस्टरिंग विथ 3 क्लस्टर्स,
तीन क्लस्टर्स के साथ में हम के मीन क्लस्टरिंग करना चाहते हैं। अब ये जो डेटा है, पूरा जो डेटा है, एक्स वाला डेटा था जो मैंने यहाँ पर लिया था, ठीक है, तो ये डेटा मैं इसके अंदर फिट कर दूंगा, इस मॉडल के अंदर फिट कर दूंगा ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। सो प्रेडिक्ट वाई क्या कर रहा है ये, अच्छा मैं मॉडल फिट एक्स बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर मॉडल फिक्स कर दिया जो कि कंप्यूट कर रहा है क्लस्टर्स एंड असाइन कर रहा है लेबल्स टू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड जो नंबर्स है क्लस्टर्स के। फिर से बता देता हूँ, ये मतलब ट्रेन कर रहा है उसको, उसके डेटा को ट्रेन कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में उसको तोड़ रहा है, उसको सेग्रीगेट कर रहा है उसको, ठीक है, जितना भी डेटा हमने प्रोवाइड किया है। अब प्रिडिक्ट वाई, क्योंकि डेटा ट्रेन हो गया तो अपन को प्रिडिक्शन चाहिए। सो दिस लाइन असाइंस द क्लस्टर लेबल्स प्रिडिक्टेड बाय द के मीन मॉडल टू द वेरिएबल प्रिडिक्टेड वाई। यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो भी प्रिडिक्ट करेगा इसके अंदर ले आऊंगा, ठीक है। द मॉडल लेबल्स आट्रीब्यूट, जो ये मॉडल डॉट लेबल्स है यहाँ पर, जो एज ए आट्रीब्यूट मैंने पास किया है, कंटेन्स द प्रिडिक्टेड वैल्यूज लेबल्स फॉर ईच डेटा पॉइंट्स। इसके अंदर जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो इसके अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉडल डॉट लेबल्स के अंदर प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, ओके। किसके लिए, दी एनपी डॉट चॉइस, ये जो एनपी डॉट चॉइस है फंक्शन इज यूज टू मैप द प्रिडिक्टेड लेबल्स, ये जो लेबल्स हैं 0, 1, 2 इनको प्रिडिक्ट करने के लिए, इनको लेबलाइज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कि 0 तो एक फर्स्ट क्लास के लिए, 1 सेकंड क्लास के लिए, 2 थर्ड क्लास के लिए, इस तरीके से क्लासेस को सेग्रीगेट कर दिया आपने। टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक कलर जो अरे है बेस्ड ऑन क्लस्टर लेबल्स, वो भी हमने यहाँ पर पास की, जो स्पेसिफिक कलर था उसका जो हमें चाहिए था, जो हमने यहाँ पर भी पास किया था, तो स्पेसिफिक कलर मैंने पास कर दिया, ठीक है। एंड इसको फिर बाद में मैंने इसको, सॉरी मैं नीचे आ गया ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर मॉडल डॉट लेबल तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई और ये उससे एसोसिएटेड क्लास हो गई, और ये सारा डेटा प्रिडिक्टेड वाई के अंदर आ गया। तो मैं एक सेकेंड आपको ये प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिडिक्शन के तौर पे आ गया, किस किससे एसोसिएटेड है, ये इसी ट्रेनिंग डेटा से, ये जो डेटा आपने पास किया था उसके आधार पे इसने कुछ वैल्यूज प्रेडिक्ट की, उसने सेग्रीगेट कर दिया इस एक्स एक्सेस के लिए, इसने इस पूरे को सेग्रीगेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग है ना यार, यहाँ पर कोई चीज़ें आपने बताई नहीं है पहले से कि कौन सा किस क्लास से एसोसिएटेड है, ये अपने आप ही डेटा को सेग्रीगेट कर रहा है, अपने आप ही डेटा के आधार पर वो अपनी क्लस्टरिंग बना रहा है, ठीक है। तो इसने डेटा को तोड़ लिया और उससे एसोसिएटेड क्लास भी बना ली, अपने आप वाई को जनरेट किया इसने, ठीक है। और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एस टाइप एनपी डॉट इंट 64 और ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्लॉट डॉट स्कैटर, अब हम इस डेटा को स्कैटर करना चाहेंगे, सो एक्स डॉट पेटल लेंथ और पेटल की विड्थ वही, अब सी इक्वल टू सी कलर, और यहाँ पर डालेंगे अपन जो मतलब आपका प्रेडिक्टेड वाई है वो इसके अंदर कलरिंग के अंदर डाल देंगे, तो ये कलर होकर आ जाएगा, ये सारा डेटा है वो कलर्ड होकर आ जाएगा, किस फॉर्म में, यहाँ पर जो अपनों ने स्पेसिफाई किया था, ठीक है, कलर मैपिंग यही वाला है, ठीक है। तो सी इक्वल टू कलर मैप हमने कर दिया, वो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है एज ए, ये एज ए अरे हो जाएंगी और इससे एसोसिएटेड वो मैपिंग हो जाएगा, 0 वाला फर्स्ट वाले के साथ में मैप हो जाएगा, 1 वाला, इस तरीके से वो मैपिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और S40 का मतलब है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने रेफर किया है, S40 का मतलब है कि पैरामीटर सेट्स, दिस पैरामीटर सेट्स द मार्कर साइज टू 40, जो मार्कर साइज है उसको 40 के एज ए सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्कर साइज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं S रेफर्स टू मार्कर साइज, ओके। और फिर बाद में मैंने प्लॉट, ये तो स्कैटर कर दिया मैंने डेटा, देखो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिट किया मैंने, फिर स्कैटर किया मैंने, और फिर प्लॉट इसका टाइटल, तो टाइटल के मीन आ गया स्कैटरिंग से। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ये ग्राफ नहीं बनेगा मेरा।
ये ग्राफ नहीं बना अपना, ठीक है? तो इसको, ये स्कैटरिंग ही है जो ग्राफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अगर मैं यहां पर भी ये नहीं करूंगा, कौन सा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को भी अगर मैं छुपा दूंगा तो ये मेरा ये नहीं आएगा, इसका टाइटल नहीं आएगा, ठीक है? ये और कर दो, तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। सबसे पहले तो इसकी मदद से आया हमारे पास में नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स कितनी होनी चाहिए वो डिटरमाइन किया इसने, कि तीन तो हमारे पास में कॉलम होनी चाहिए, एक रो। सो रो और कॉलम में इसको सेग्रीगेट कर दिया, और दो है जो सब मॉडल्स के एज यूज करेगा वो, ठीक है? तो प्लॉट डॉट सब मॉडल्स, एक और तीन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम से वो स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है? फिर बाद में इसकी मदद से हमने डेटा को ट्रेन किया। चलो भाई, डेटा ट्रेन हो गया हमारा, ओके। अब इसकी मदद से वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज के मतलब जो ट्रेनिंग डेटा है वो इसके अंदर ले आएंगे विद लेबलाइज करके, हम उसको लेबल करके लेके आएंगे। तो ये किससे होगा, ये हम चूज जो वो है आपका एनपी के अंदर, नंपाई के अंदर है, उसको यूज करेंगे। सो ये लाइन, इसकी मदद से हम, इस फंक्शन की मदद से हम उसको मैप कर देंगे, जितना भी जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं जो अलग अलग उससे एसोसिएटेड है। अगर देखो मैं इसको अलग से प्रिंट करवाऊंगा तो ये एक अलग वैल्यू देगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो ये बताना मेरे को जरूर, अच्छा सॉरी, ये बताना मेरे को जरूरी है कि इससे एसोसिएटेड क्लास कौन सी है। अगर देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज भी कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, तो ये जो 0 1 एंड 2 है ये चेंज हो जाएगा आपका, है ना? 1 2 3 में चेंज हो गया। तो ये मैपिंग करने के लिए, चूज जो है वो मैपिंग के लिए होता है बेसिकली। 0 1 से एसोसिएट कर दो, सेकंड वाला सेकंड से एसोसिएट कर दो, थर्ड वाला थर्ड से, इस तरीके से एसोसिएशन के काम में आता है, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पर स्कैटर करवा दिया डेटा को, क्योंकि जो भी डेटा आया, जो एक्स की पेटल लेंथ है, एक्स की जो पेटल विड्थ है, उससे एसोसिएटेड मैं ये एक्स और वाई हो गया, ये वाला एक्स हो गया, जितनी भी नंबर ऑफ पेटल लेंथ्स हैं और पेटल विड्थ हैं, ये एक्स और ये वाई से एसोसिएट कर रही हैं। और सी कलर जो, अब जो भी डेटा प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो आई हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है? सो इससे एसोसिएटेड जो भी मतलब कितने हाइट पे और कितने उस पे कौन सा क्लास आएगा, ठीक है? सो वो डेटा इसके अंदर है, और इसकी मदद से अपन उसको स्कैटर करवा देंगे। अच्छा, करवा दिया। अब टाइटल लिखवाना है, टाइटल लिखवाना है, तो भाई साहब ये लो, इसको भी हटाओ, ये टाइटल लिख के आ गया, ठीक है? के मीन, ये के मीन एल्गोरिथम इसी तरीके से सेम, कुछ नया नहीं है यार। ये हमारे पास में है जीएमएम, ठीक है, जो कि एक गॉसियन मिक्सचर मॉडल, जो कि है मॉडल, ठीक है? गॉसियन मिक्सचर मॉडल, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन लगाया, सॉरी क्लास लगाई, स्टैंडर्ड स्केलर, जो कि प्री प्रोसेसिंग उसके अंदर थी। स्टैंडर्ड स्केलर के जो क्लास है वो हमने, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर, ठीक है? इसके अंदर जो डेटा था, एक्स वाला डेटा था, वो फिट कर दिया। सो हमने फिट कर दिया, इट कंप्यूट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच फीचर ऑफ एक्स, जितने भी फीचर्स हैं, जो पेटल लेंथ हो गई, पेटल विड्थ हो गई, सब के लिए उसकी उसका मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लेगा। इट कंप्यूट्स मीन एंड स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ ऑल फीचर्स, फीचर्स ऑफ एक्स, ठीक है? सो
ले लिया। फिर हमने क्या किया, अब इसको स्केलिंग करने की भी जरूरत है, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया इस पर्टिकुलर इसकी मदद से, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म दिस लाइन अप्लाइज द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू द डेटा एक्स। इट ट्रांसफॉर्म द डेटा सच दैट ईच फीचर हैज जीरो मीन एंड यूनिट वेरियंस। लिख देता हूँ, ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को कि हर एक जो फीचर है उसका जो मीन है वो तो जीरो होगा और जो वेरिएंस है वो यूनिट वेरिएंस होगा। इसका इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है, ये मैंने आपको मशीन लर्निंग वाली सीरीज में आपको बताया अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, ठीक है। जीरो मीन और वेरियंस की मदद से हम अच्छे से उसको क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है। फिर है अपना डेटा फ्रेम। सो इसकी मदद से हमने जो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आया उससे हम एक डेटा फ्रेम बनाना चाहेंगे, तो ट्रांसफॉर्म डेटा को यूज़ करेंगे और कॉलम वाला तो है ही अपना, जितने भी कॉलम्स है ठीक है उससे एसोसिएटेड। सो एक्स डॉट कॉलम्स भेज देंगे तो हमारा एक नया डेटा फ्रेम बन गया यहाँ पर। अब गॉसियन जो मैट्रिक्स मिक्सचर है उस क्लास से हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 हैं, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 हैं, ये क्या किया, इसको मैंने 3 कर दिया। विच इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल फॉर क्लस्टरिंग बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर जो एन कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं, यहाँ पर ये अपनों को ध्यान रखना है, ये जो नंबर ऑफ क्लास को सिग्निफाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट 3, एक रो 3 कॉलम, ठीक है, एक रो 3 कॉलम एंड थर्ड वाला सब प्लॉट हम यूज करेंगे। ये थर्ड वाला सब प्लॉट के लिए, ये वाला सेकंड के लिए था, ये वाला फर्स्ट के लिए था, ठीक है। तो अलग अलग सब प्लॉट्स के लिए अलग अलग वो चीजें, ये क्यों मैंने डाला, आप पूछोगे क्यों डाला, भाई साहब अगर मैं पूरा प्रोग्राम को एक साथ चलाऊंगा उसके लिए मेरे को ये करना जरूरी था, नहीं तो ये क्या होता, एक ही सब प्लॉट के अंदर इसी के अंदर ये ओवरलैपिंग कर जाता, मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसीलिए मेरे को अलग अलग करने की जरूरत थी इसको। तो ये है फर्स्ट रो 1 रो नंबर इसके 3 कॉलम्स, और जो 3 इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स कि वी वांट टू क्रिएट अ सब प्लॉट ग्रिड विद 1 रो एंड 3 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द थर्ड सब प्लॉट राइट मोस्ट फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मैंने इसके अंदर डेटा फिट किया, वो तो देखो हम सबके अंदर डेटा फिट करते ही हैं, फिर उसकी मदद से प्रिडिक्ट करवाते हैं, प्रिडिक्ट करवाते हैं जो भी टेस्टिंग डेटा है उसकी मदद से हम प्रिडिक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो हमने प्रिडिक्ट भी करवाया और उसको इसके अंदर डाल दिया, और फिर बाद में एक्स पेटल एक्स लेंथ, ये तो एक्स और वाई से कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और जो कलरिंग वाला पार्ट है वो प्रिडिक्शन वाला पार्ट जो क्लासेज आएंगी, और एस इक्वल टू 40 कर दिया। तो एस इक्वल टू 40 मतलब नंबर ऑफ जो वो है हमारे मार्कर साइज है वो 40 हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो जीएमएम क्लासिफिकेशन है, जिसकी फुल फॉर्म है गॉसियन मिक्सचर मॉडल। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अच्छा मैं आपको ये दिखाने वाला था कि अगर ये अपन ऐसे नहीं करते तो क्या हो जाता, मैं इसके लिए एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। सेकंड इसको रन करवा के देखो आप, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग आ गए है ना, अगर मैं ये नहीं करता तो, अगर मैं इसको 1 2 इसको सबको 1 ही रख देता हूं, इसको मैं सबको 1 ही रख देता हूं, ठीक है। तो ये एक के अंदर ही सारा डेटा है, ठीक है। सो इसीलिए मेरे को ये दिखाने की जरूरत थी कि भाई सही, ये दिखाने की जरूरत थी मेरे को कि जो डेटा है
यहाँ पर एक रो है और तीन कॉलम है, और इसके अंदर से हम किस सब प्लॉट को सिग्निफाई कर रहे हैं, ये उसको उसके लिए यूज होता है सब प्लॉट। लेकिन ये तब है जब आप, अगर आप अलग अलग कर रहे हो तब आपको ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जब आप इसको अलग अलग प्रिंट आउट करवा रहे हो तब आपको इसकी जरूरत नहीं है, तब आपका काम हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, ये काम हो रहा है आपका। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। देखो यहाँ पर भी अगर जब मैं इसको ऐसे करूँ, अलग अलग करवा रहे हैं तब तो आपको जरूरत ही नहीं है यार। ये तब है जब आप एक रो में तीनों को कंपेयर करना चाहते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कंपैरिजन के काम में आता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये रियल डेटा है, ये मीन से इतना सेग्रीगेट हुआ और जीएमएम क्लासिफिकेशन से इतना सेग्रीगेट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। समझ में आया तो यार लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।